हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस इंजीनियरिंग मशीन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेटिक फॉर्म फिल एंड सील मशीन विद न्यूमेटिक पिस्टन फिलिंग पंप की। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इस मशीन में पैक कर रहे हैं। 30 ग्राम की पैकिंग इस मशीन में चल रही है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 10 ग्राम्स टू 100 ग्राम आप इस मशीन में पैक कर सकते हैं। हॉपर कैपेसिटी अप्रोक्सीमेट 15 टू 20 केजी। ये मशीन सूटेबल है किसी भी तरह के पेस्ट को पैक करने के लिए, जैसे कि आपके टमाटो केचप हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, फूड पेस्ट, हनी, या इस तरह का जो भी आपका हाइग्रोस्कोपिक नेचर के पेस्ट होते हैं वो इस मशीन के जरिए आप पैक कर सकते हैं। 3 साइड सील सैचेट्स इस मशीन में बनते हुए। हमारा जो पीएलसी है, एचएमआई है, वो आपका डेल्टा का मल्टी स्पैन के टेम्परेचर कंट्रोलर, फुली एसएस फैब्रिकेटेड मशीन। मशीन का जो मेन स्ट्रक्चर है वो भी आपका एसएस का है और क्लैडिंग भी आपका एसएस का है। अनवाइंडिंग मोटर लुकास। मशीन की अगर स्पीड की बात करते हैं तो इसमें अप्रोक्सीमेट 30-35 सैचेट्स पर मिनट आपको मिलते हैं। न्यूमेटिक होने की वजह से इसका पेस्ट फिलिंग पंप बहुत ही एक्यूरेट है, एंट्री ड्रिपिंग सिस्टम के साथ में, जिससे कि प्रोडक्ट आपका एक्यूरेट फिल होता है और साथ में लेयर भी ब्रेक होती है। पुलिंग डायरोलर या गियर मोटर के थ्रू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल न्यूमेटिकली ड्राइवन सीलिंग जॉब्स। न्यूमेटिक इस मशीन में हम जो यूज करते हैं वो जेनेटिक्स या फेस्टो एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। बहुत ही प्रॉम्प्ट सीलिंग विदाउट एनी लीकेज। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो भी इस मशीन में यूज किए गए हैं वो सारे आपके सीई सर्टिफाइड हैं। फिनोलेक्स या पॉलीकैप का पूरा वायरिंग है। स्नाइडर, फ्यूजी और टेक्निक के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इस मशीन को हम 100 ग्राम्स टू 500 ग्राम्स तक भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेफर्ड है कि स्मॉल सैचेट्स के लिए इस मशीन को हम ले सकते हैं। और जो आपके 500 ग्राम या 250 ग्राम के सैचेट्स होते हैं, अगर उसके लिए कॉलर टाइप मशीन में जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। इस मशीन में आप शैम्पू कर सकते हैं, कंडीशनर कर सकते हैं, हेयर ऑयल भी कर सकते हैं। इस तरह के जो छोटे छोटे पाउचेस आप मार्केट में देखते हैं वो इस मशीन से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं इसकी वेट एक्यूरेसी। अभी हम इसमें 30 ग्राम्स का सेटिंग आपका चला रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं 31 ग्राम। मोस्टली आपका जो वेट वेरिएशन है वो 0.5-0.8% प्लस माइनस आएगा। एक्यूरेसी के लिहाज से और पाउच की फिनिशिंग के लिहाज से ये मशीन बहुत ही बेहतर है। प्राइस रेंज की अगर बात करते हैं तो ये मशीन बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। पीएलसी और एचएमआई होने की वजह से और साथ में आपका एसएस स्ट्रक्चर होने की वजह से थोड़ा प्राइस हायर हो सकता है, लेकिन अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो ये मशीन आपको 2,50,000 टू 3 लाख के बीच में मिल जाती है। एसी ड्राइव है मशीन में, जिसको आप वीएफडी भी बोल सकते हैं, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, जिससे आप मशीन की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ऑर्डर देने के बाद ये मशीन आपको 10 से 12 दिन के अंदर अवेलेबल कराई जा सकती है। पाउच की फिनिशिंग आप देख सकते हैं जो बहुत ही बेहतर है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।